हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ जेड व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज तक आपने होम टूर तो बहुत किया होगा, आज मैं आपको दूंगा गैजेट टूर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही है, आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने उन सारे गैजेट्स को जिनको मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस को शूट करने के लिए। और अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एंड क्या क्या नहीं भी हुई तो भी काम आपका चल जाएगा। तो लिस्ट में सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक कैमरा। एक कैमरा बोला है मैंने, मतलब जाके आप DSLR वगैरह नहीं, आपके स्मार्टफोन में आज के डेट में 3 से 4 कैमरा मिल जाते हैं। तो आपके पास एक स्मार्टफोन अगर है जिसमें आप 1080p पे शूट कर सकते हो, यू आर गुड टू गो, आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है बिगिनिंग स्टेज में। दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है माइक। मैं यूज़ करता हूँ बोया का कॉलर माइक। कहाँ है दूसरा माइक भी है मेरे पास, बताऊँगा उसके बारे में। तो ये माइक मैंने क्यों लिया, ये माइक इसलिए लिया यार, एक तो इसमें 5 मीटर का लेंथ है इसके वायर का। तो कभी कभी जब अपना जो सेटअप है और मैं जो जहाँ से शूट कर रहा हूँ उसके बीच में जो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये हेल्प करता है। वहाँ पे ऑडियो क्वालिटी अच्छी है एंड दूसरी अच्छी बात इस माइक की ये है कि आप इसको कैमरा और स्मार्टफोन दोनों के साथ यूज़ कर सकते हो। सो दिस माइक इज़ कंपैटिबल विद बोथ कैमरा एंड स्मार्टफोन, तो वो एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है। अभी कैमरा नहीं है, कल को होगा तो ये माइक यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव एंड द सेकेंडरी माइक, ये इसलिए कॉलर माइक नहीं थी, ये है। दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, इसी के थ्रू मैं अपने सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ। एंड ये माइक मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक डायरेक्शनल माइक है एंड द सेकेंड एडवांटेज इज़ ये जो फर कोटिंग आती है इसके साथ, ये काफ़ी हद तक सराउंडिंग्स का जो नॉइज़ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि अभी भी आप देखोगे ना, तो मैं अपने कमरे में बैठ के शूट कर रहा हूँ एंड फैन फुल स्पीड पे चल रहा है, बट स्टिल आप कमेंट सेक्शन में बताओ जाके कि आपको क्या वो विंड नॉइज़ जो होता है वो फील हो रहा है क्या ऑडियो में, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू है कि बहुत रिड्यूस हो जाता है, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। अगर मैं कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर दूँ तो शायद समझ में भी ना आए कि इतना मतलब विंड में शूट हो रहा है। तो दिस इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज़रूर लें। कॉलर माइक लेने से बेटर है आई वुड से दिस, क्योंकि ये आपके व्लॉगिंग सेटअप पे भी जाता है अगर आप स्मार्टफोन के थ्रू व्लॉगिंग कर रहे हो, तो ये आपको उसमें भी हेल्पफुल करता है। तो दिस इज समथिंग आई वुड सजेस्ट रेदर देन दिस, बट इफ यू कैन अफोर्ड, इफ यू कांट अफोर्ड दिस यू कैन गो फॉर दिस, एंड इफ यू कैन अफोर्ड दिस डेफिनेटली थम्स अप फॉर दिस। इसके अलावा मेरे पास है एक गिम्बल, जी हाँ, बट क्या ये आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपका बजट है आप ले सकते हो, बजट नहीं है तो ये एक उन चीज़ों में से है जो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लो। अगर आप बजट में इसको अफोर्ड कर सकते हो तो इसका एडवांटेज ये है कि जब भी आप आउटडोर शूट कर रहे हो या फिर कुछ सिनेमैटिक शॉट ले रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसके थ्रू आपको प्रोवाइड होती है एंड डिफरेंट एंगल्स पे जो आप ट्विस्ट एंड टर्न ले सकते हो, वो इसके वर्थ को प्रूव करता है एंड दिस इज़ वाई इट इज़ वर्थ बाइंग फॉर। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो आपको हैंडमेड सिनेमैटिक शॉट कैसे लेना है के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स हैं यार, उनको देखें एंड सीख के यू कैन प्रोबेबली डू बेटर। इसके अलावा मेरे पास है ये कोडैक का ट्राईपॉड। एक्चुअली मैं इसको ना मैंने दूर की सोच के ले ली, अच्छा रेट पे मिल रहा था, लाइक 1500 रुपये का है ये, एल्युमिनियम फ्रेम है, एकदम लाइट वेट एंड इट कैन टेक अ लोड अप टू 3.5 kgs। तो कभी ना कभी तो कैमरा लेंगे ना यार, ये सोच के मंगा लिया था। तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है बट स्टिल दिस इज़ गुड टू हैव थिंग, अगर आप ले सकते हो आगे चल के ले लो, अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा मेरे पास क्या है जो हर यूट्यूबर के पास होता है, हर मोटो ब्लॉगर के पास होता है, वो है ये। अब आप बोलोगे भाई तू तो मोटो ब्लॉगिंग करता नहीं है। भाई करता नहीं हूँ, चैनल अभी शुरू किया है, करूँगा ज़रूर, इसलिए पहले से मंगा के रखा है। अप्रॉक्स 8 महीने हो गए, कभी कभी इसे शूट करता हूँ, डेफिनेटली वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा है। एंड पूछोगे SJ Cam 6 लेजेंडी क्यों, तो भाई आई लव SJ Cam। दूसरा, 10,000 रुपये में मुझे उस समय पे इससे बेटर कैमरा कोई भी नहीं लगा, इसलिए मैंने ले लिया इसे। एंड डेफिनेटली ये है भी बहुत अच्छा कैम यार, आलतू फालतू कुछ भी ब्रांड उठाओगे उससे बेटर तो है कि एक थोड़ा पैसा जमा करके थोड़ा वेट करके कुछ अच्छा ब्रांडेड लो, एटलीस्ट समथिंग दैट यू कैन ट्रस्ट।
तो पैसे लगा रहे हो तो कहीं अच्छे जगह पे लगा लो, तो वही सोच के मैंने ये लिया है। एंड डेफिनेटली इस चैनल पे आगे चल के आपको मोटो व्लॉगिंग्स भी देखने को मिलेंगे, तो स्टे ट्यून। इसके अलावा मेरे पास है एक, ये मोटो व्लॉगिंग करना है तो भाई ऑडियो क्वालिटी पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ। ऑडियो क्वालिटी समथिंग दैट आई डोंट कॉम्प्रोमाइज विद, भले थोड़ा सा अभी एडिटिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, भाई नया हूँ यार उसके लिए सॉरी, बट आगे चल के इम्प्रूव हो जाएगा डेफिनेटली। तो ये मैंने अपना वो जो हेलमेट सेटअप होता है ना उसके हिसाब से मंगा कर रखा हुआ है, बट अभी यार बाइक ही नहीं है, बाइक है बट वो लद्दाख जाने वाली बाइक नहीं है ना, या इंडिया टूर मारने वाली बाइक नहीं है ना। जिस दिन आ जाएगी उस दिन हेलमेट भी आएगा, उस दिन ये माउंट भी होगा, उस दिन वीडियो भी बनेगा, उस दिन आप देखोगे भी, एंड डेफिनेटली उस दिन हम उम्मीद करता हूँ नंबर्स में बहुत ज़्यादा होंगे। तो फिलहाल के लिए तो मेरे पास इतना ही है, ये सारी जो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक साल लगा के जमा किया है अपने हार्ड एंड मनी से, बोलो तो पाई पाई जमा करके लिया है भाई ये सब इतना। एंड द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आंसर, क्या आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक स्मार्टफोन, एक अच्छा माइक एंड अ ट्राइपॉड इज़ मोर देन अनफ टू स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई, ये ज़रूरी नहीं आपके पास हो। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन बाय इट, अगर नहीं ले सकते तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन, एक माइक और एक ट्राइपॉड चाहिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए, एंड यू आर गुड टू गो। तो इसी के साथ दोस्तों लेता हूँ आपसे अलविदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, एंड आई वुड इन्वाइट एवरी वन ऑफ यू टू बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी, लिव माई ड्रीम्स एंड एन्जॉय योर लाइफ। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए छोटों को सलाम, बड़ों को प्रणाम।